नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नारायण 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 नारायण। दो नए श्रोता हैं तो यहाँ हमारा महाभारत का प्रसंग जो है उद्योग पर्व में, अभी महाभारत युद्ध शुरू नहीं हुआ है, इसके पूर्व में हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि कितनी जबरदस्त तैयारियां युद्ध के लिए एक और दूसरी ओर कितने जबरदस्त प्रयत्न कि युद्ध न हुए। तो इसलिए व्यास जी को 200 अध्यायों में उद्योग पर्व यानी युद्ध न हुए उसके लिए क्या क्या प्रयास हुए। तो संजय को जब भेजा गया और संजय लौट के आए पांडवों और कृष्ण का संदेश लेके कि अगर उनको उनके हक को नहीं दिया जाएगा, 13 वर्ष की जो शर्त थी वो पूरी कर चुके हैं, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, अब भी अगर उनको उनका हक नहीं दिया जाता है तो युद्ध अवश्यम भावी है। संजय को ये कहा गया कि भाई इतना जब आपने तब किया है तो अब क्यों, अगर दुर्योधन नहीं दे रहा है तो आप इतने से कारण के लिए सबको, जो पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य और जितने कुटुंबी जन हैं उनको आप अवश्य नहीं मारेंगे, आप भले थोड़ी और तपस्या कर लेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, संजय को कहा उनको बता देना अगर उनको उनका हक नहीं मिला, जो कि जुए में बदमाशी से छल से ये किया गया, ले लिया गया और इतनी यातना उनको 13 वर्ष की भोगनी पड़ी। शर्त ये थी कि अज्ञातवास में अगर उनको देख लिया गया तो फिर 12 वर्ष का, तो अज्ञातवास उन्होंने पूरा किया था। दुर्योधन ने अपने दिमाग अपना चलाया कि नहीं नहीं, हमने अज्ञातवास में उनको देख लिया था तो इसलिए हम नहीं देंगे, और अगर लेना है तो युद्ध करके ले। तो संजय जो धृतराष्ट्र ने कहा कि उनको ऐसे बता देना, तो भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने जो संदेश दिया वो संदेश संजय लेके लौटे हैं हस्तिनापुर, और अभी धृतराष्ट्र को नहीं बताया गया, उनको तो सभा में ही बताना है, पर कभी कभी जो मुख्य व्यक्ति है उसको पहले बता देते हैं। उस दिन जो यात्रा से वे आए तो चूंकि थके हुए थे तो धृतराष्ट्र को बहुत बुरा भला उन्होंने सुनाया संजय ने, क्योंकि वो समझ गए कि अब युद्ध अवश्यम भावी है, तो ये नहीं बताया कि वहाँ से क्या संदेश है, मैं थका हुआ हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ और कल सभा में बताऊँगा। धृतराष्ट्र को नींद नहीं आ रही है, तो ये हमारा प्रसंग जो चल रहा है, धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलवाया, बोले भाई मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम कुछ मुझे सुनाओ। विदुर जी ने सुनाए 8 अध्याय विदुर नीति के हम कर चुके हैं, अब फिर भी उस बुढ़े को नींद नहीं आ रही है। तो एक वाक्य बोले विदुर जी कि सनत कुमार, सनत सुजात, सनत कुमार एक ही बात है, सनत सुजात जो हैं वो तो प्रमाद को ही मृत्यु मानते हैं, उनके लिए तो वो कहते हैं कि मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब ये मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं,
धृतराष्ट्र भले अंधा था पर उसको भी शास्त्रों का ज्ञान था। विरोचन और इंद्र दोनों प्रजापति के पास गए कि मृत्यु को कैसे जीता जाए। उन्होंने कहा 32 साल तुम रहो ब्रह्मचर्य यहाँ आश्रम में पालन करो ब्रह्मचर्य का, उसके बाद मैं उपदेश करूँगा। मृत्यु अगर है ही नहीं, मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो ये सब कथाएं शास्त्रों में ये तो विरोधाभास है। सनत सुजात जी का ये वाक्य है कि मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। बोले कि अब ये जो है ज्ञान का प्रसंग है, तत्व दृष्टि से मृत्यु नहीं है। जल तरंग डर रही है कि मैं मर जाऊंगी, पर वो मर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसका जो तात्विक रूप है वो जल है। जल तरंग के आकार में आई इसलिए उसको मृत्यु का भय है। तरंग मरेगी, जल नहीं मरेगा। आभूषण अनेक प्रकार के स्वर्ण में बनाए गए, गला दिए गए, आभूषण की आकृति नाम रूप खत्म हो गए, स्वर्ण वैसे के वैसे ही है। प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद का अर्थ अज्ञान, जो हम अपने स्वरूप को नहीं जान रहे हैं वही मृत्यु है। पर विदुर जी ने कहा कि ये सब बातें मैं कह रहा हूँ, विदुर जी ने इतना ही कहा कि अब इस विषय में मैं आगे नहीं बता सकता क्योंकि मैं दासी पुत्र हूँ, मेरा अधिकार नहीं है। ब्राह्मण ही इसका उपदेश कर सकते हैं। मैं उनका आह्वान करता हूँ, सनत सुजात जी आए। आह्वान करने के बाद विदुर जी ने कहा आप इनको बताइए, इनका ये प्रश्न है। सनत सुजात जी ने 5 अध्यायों में ज्ञान का उपदेश किया। श्रोता थे धृतराष्ट्र और विदुर जी। विदुर जी स्वयं ज्ञानी हैं। 5वां अध्याय हमारा चल रहा है और इसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि ये कौन जानेगा, मृत्यु नहीं है ये कौन जानेगा जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। तो इस वाक्य को बार बार दोहरा रहे हैं, 23 बार दोहराया है। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। योगी जन कौन है? जिन्होंने परंपरा साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, ये सब साधना क्रम से पूरी की है, गुरु के चरणों में बैठ के श्रवण किया है। तो इसलिए कल मैंने सुनाया कि धृतराष्ट्र भी बड़ा भाग्यवान है। एक दृष्टि से उसको भी आशीष मिला कि तुम्हें वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। सनत सुजात जी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अब ब्रह्म के बारे में और भी बातें बताई गई है, क्योंकि अपना ये प्रवचनात्मक सत्र नहीं है तो हम आपको सुना देते हैं, कहीं कहीं कोई काम की बात होगी उसकी व्याख्या कर देंगे, बाकी आप सुन लीजिए। थोड़ा गंभीर है प्रसंग, पर इसके बाद फिर महाभारत का शुरू हो जाएगा, क्या घटनाएं घटित होती हैं। घटनाओं में हमारी भी ज़्यादा रुचि रही, तो जब भी हम महाभारत उठा के देखते थे तो इतने प्रसंग और इतना लंबा चौड़ा उपदेश बीच बीच में, और वो भी शांति पर्व। परंपरा में ये कहा गया है शांति पर्व का 13वां नंबर है, 18 पर्व हैं, तो शांति पर्व से शुरू करना चाहिए। यानी महाभारत युद्ध पूरा हो चुका है, उसके बाद भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी को
शरसैया पे, मोक्ष धर्म, राज धर्म, सभी प्रकार के यानी स्त्री धर्म आदि आदि जितने धर्म हैं, 300 से ज़्यादा, 365 अध्याय, शांति पर्व अकेला पूरा एक खंड है, 18 खंड पर्व है, पर शांति पर्व इतना बड़ा है। तो परंपरा में है कि शांति पर्व से शुरू करना चाहिए। अब शांति पर्व को उठा के जब भी हम शुरू करते हैं तो वहाँ घटनाएं तो है नहीं, महाभारत युद्ध पूरा हो गया है और अब खाली उपदेश है, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते थे क्योंकि हमको तो घटनाओं में, और इधर हम देख रहे हैं कि महेशानंद जी तीसरी आवृत्ति कर रहे हैं, तो फिर हमने सोचा कि भाई करना तो हमको भी है। महाराषि का एक वाक्य मिला कि बिना महाभारत और वाल्मीकि रामायण के पढ़े भारतीय संस्कृति को कोई समझ ही नहीं सकता। उस वाक्य से हमको और बल मिला कि ये करना ही है। तो सबसे बढ़िया महाराषि ने प्रेरणा दी कि यहीं जो 7.5 से 8.5 कुछ न कुछ तो करोगे तो महाभारत को ही करो। तो धीरे धीरे अब हम इस 5वें पर्व में, उद्योग पर्व में पहुँचे हैं, और उद्योग पर्व में 200 अध्याय हैं, तो ये 44वां 45वां अध्याय चल रहा है, 45 हो गए हैं, 46वां अध्याय चल रहा है। तो इस अध्याय में शुद्ध ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं सनत सुजात जी। तो ब्रह्म का निरूपण वैसे भी जो वेदांत में रुचि रखते हैं उन्हीं के काम का है। उस परमात्मा का स्वरूप किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता, उसे कोई चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। तो फिर ये जो महात्मा लोग कहते हैं कि हमने उसको जान लिया, बोले हाँ, जो निश्चयात्मिका बुद्धि से, मन से और हृदय से उसे जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। 7वें श्लोक में कह रहे हैं, ये भी कल हम लोगों ने यहीं पे विराम दिया था, जो 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि इन 12 के समुदाय से युक्त हैं, यानी जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, और ये सब परमात्मा से सुरक्षित हैं। विशेष बात कभी भी भूलना नहीं है, हम लोग परमात्मा को भुलाए रहते हैं, संसार में लगे रहते हैं। महात्मा लोग कहते हैं कि जैसे गांव की स्त्रियों को आपने देखा है, एक घड़ा घड़े पे, फिर दूसरा घड़ा, तीसरा घड़ा, काख में एक घड़ा, और बगल वाली स्त्री भी इतने ही घड़े लिए दोनों चल रही हैं, बातें कर रही हैं, चलती जा रही हैं। मन का जो एक तार है वो उस बैलेंस में लगा हुआ है। ऐसे ही कुछ भी क्रिया हम करें, परमात्मा से हम सुरक्षित हैं, ये हमारा तार निरंतर जुड़ा रहना चाहिए। अब हो क्या रहा है, लोगों के बारे में बता रहे सनत सुजात जी कि उनके सामने चूंकि संसार है तो उसी को ही सर्वस्व समझ के और उसमें रचे पचे हैं। पर ठाकुर जी क्या करते हैं कि असली जो आनंद है वो तो हमारे स्वरूप का है, तो इससे मुक्त करने के लिए सद्गुरु के रूप में आते हैं। अच्छा, अब और अगले श्लोक में बता रहे हैं कि विडंबना क्या है जीव की। दृष्टांत देते हैं, जैसे शहद की मक्खी आधे मास तक शहद का संग्रह करके फिर आधे मास तक उसे पीती रहती है, उसी प्रकार अब हम लोगों की स्थिति बता रहे हैं, यह भ्रमणशील संसारी जीव इस जन्म में किए हुए संचित कर्म को परलोक में विभिन्न योनियों में भोगता है।
यानी शहद की मक्खी और हमारी तुलना कर रहे हैं। परमात्मा ने समस्त प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार कर्म फल भोग रूप हवि की अर्थात समस्त भोग पदार्थों की व्यवस्था कर रखी है। तो ये बता दिया कि इस समय हमारे साथ हो क्या रहा है, अर्थात उधर दृष्टि ही नहीं है कि हमको आत्म साक्षात्कार या परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो फिर कैसे दृष्टि जाएगी। सनत सुजात जी बता रहे हैं, जिसके विषय रूपी पत्ते स्वर्ण के समान मनोरम दिखाई पड़ते हैं, उस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष पर आरूढ़ होकर यह जीव हम और आप, पंख नहीं है जीव को, पर जब मानो कि ये जो कर्म हो रहा है हमारे द्वारा वही पंख है, तो कर्म रूपी पंख धारण कर अपनी वासना के अनुसार विभिन्न योनियों में पड़ते हैं, अर्थात एक योनि से दूसरी योनि में गमन करते हैं। तो ये तो हम लोगों की स्थिति बता रहे हैं, पर इनको मुख्य बात क्या बतानी है दसवें श्लोक में। पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, ये तो हम लोगों की अज्ञान की स्थिति बता दी। अब तत्व दृष्टि से क्या है, तत्व दृष्टि से बहुत ध्यान से सुनना, तत्व दृष्टि से परिपूर्ण परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो ये जो अभी अभी वर्णन किया ये सब माया में है, अर्थात सच्चा नहीं। दृष्टांत क्या है, स्वप्न। हम लोग प्रतिदिन सोते हैं और स्वप्न में देखते हैं, जागते हैं, कुछ नहीं होता। जैसे स्वप्न कुछ नहीं है, वैसे ही तत्व दृष्टि से ये जिसमें हम बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये सब भी एक लॉन्ग ड्रॉन ड्रीम, दीर्घ स्वप्न है। तो दीर्घ स्वप्न को उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो होता ही नहीं है, इसलिए जो है उसकी बात कर रहे हैं। पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, यानी नाम रूप तरंग जल ही है, जल के सिवाय तरंग कुछ नहीं है। तो प्राणी जितने हम बैठे हैं सच्चिद आनंद रूप से हम लोग सब पूर्ण हैं, पर नाम रूप को हम सच्चा मान लिए। नाम रूप सच्चा नहीं है, माया का है, वो तो नश्वर है। तो इसलिए चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, पूर्ण सत्ता स्फूर्ति पाकर ही वे पूर्ण प्राणी चेष्टा करते हैं, फिर पूर्ण से ही पूर्ण ब्रह्म में उनका उपसंहार विलय होता है। तरंग उठी और फिर वापस जल में मिल गई, अंत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म ही शेष रह जाता है। तो जो ईशावास्य उपनिषद का मंगलाचरण है, शांति मंत्र पूर्ण मदः पूर्णमिदम्, उसका यहाँ संकेत किया, और आगे के दो श्लोकों में बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। उस पूर्ण ब्रह्म से ही जितना जो कुछ है, स्वर्ण से ही हजारों लाखों करोड़ों आभूषण बना लीजिए, वो स्वर्ण ही है, स्वर्ण के अतिरिक्त वहां कुछ नहीं। ऐसे ही वायु और अग्नि, सोम, जितना जो कुछ विस्तार है, कहाँ तक गिनावें, हम अलग अलग वस्तुओं का नाम बताने में सनत सुजात जी कहते हैं असमर्थ हैं, यानी उसकी आवश्यकता नहीं है, सब माया का है, सच्चा नहीं है। तुम इतना ही समझो कि सब कुछ उस परमात्मा से ही प्रकट हुआ है, सच्चित आनंद का ही ये सब पूरा पसारा है। अज्ञान के कारण वो नाम रूप को हम सत्य मानकर, संसार और शरीर को सत्य मानकर, जो कि माया का है, उसमें हम फंसे हुए हैं। तो इसलिए योगी हर एक, मैं आखिरी वाक्य नहीं पढ़ रहा हूँ, प्रत्येक श्लोक में कह रहे हैं उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं।
तो अब प्रश्न है कि हम कैसे करें, तो उसकी विधा आगे बता लेंगे। अपान को प्राण अपने में विलीन कर लेता है, प्राण को चंद्रमा यानी मन, चंद्रमा को सूर्य यानी बुद्धि, और सूर्य को परमात्मा अपने में विलीन कर लेता है। यानी जितना सृष्टि हुई है उसके उल्टा जाने से उसी में व्यक्ति यानी परमात्मा तक पहुंच पाएगा। हम आनंद वृंदावन से यहाँ आ गए गोपालगढ़, अब हमको तो आनंद वृंदावन वहीं रहते हैं, कल्पना करो। तो वापस लौटने के लिए हमको वापस जैसे आए हैं वैसे ही लौटना पड़ेगा। तो ये विलय की जो है प्रक्रिया है। अभी हम अपने को शरीर मान रहे हैं तो अन्नमय कोश का प्राणमय में, प्राणमय का मनोमय में, मनोमय का विज्ञानमय में, विज्ञानमय का आनंदमय कोश में विलय करके और फिर परमात्मा में विलीन करना है। ये है प्रक्रिया। तो इस प्रकार से ये सनातन परमेश्वर का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। ये 14वां जो मंत्र है, श्लोक है, क्योंकि सनत सुजात जी के जो श्लोक हैं ये मंत्र ही हैं, ये बहुत विचित्र है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि जब परमात्मा पूर्ण है तो फिर ये सब बवाल की जरूरत क्या है, वो अपने आप में पूर्ण बना रहे। तो बोले यही एक विशेषता है परमात्मा की। क्यों? देखिए क्या बढ़िया रूपक दे रहे हैं। इस संसार सलिल से ऊपर उठा हुआ हंस रूप परमात्मा, हंस रूप परमात्मा को संसार छू नहीं सकता। तो वो जो हंस रूप परमात्मा है उसके दो, मानो कल्पना करो दो पांव हैं। कल्पना यानी रूपक है, इसलिए अपने एक पाद जगत को ऊपर नहीं उठा रहा है। यदि उसे भी वह ऊपर उठा ले तो सबका बंध और मोक्ष सदा के लिए मिट जाए। कहना क्या चाह रहे हैं? यानी ये सृष्टि की जो तत्व दृष्टिया तो सृष्टि है ही नहीं, तीनों काल में सृष्टि नहीं है, पर हम लोग इसका अनुभव कर रहे हैं अज्ञान के कारण। तो इसलिए बता रहे हैं कि अगर ये उठा ले अपना पाद परमात्मा ही, तो परमात्मा क्या करते हैं प्रलय में, ये सब कुछ नहीं रहता, पर वहाँ पर भी बीज रूप में रहता है। अचिंत्य माया शक्ति हमेशा ब्रह्म की उसके पास है, तो जब भी वो सृष्टि करना चाहता है वो कर लेता है। तो ये बहुत गजब का है। ये पूरा का पूरा जब मूल में जाते हैं तो एक बात तो ये समझ में आती है कि अगर तत्व ज्ञान हो गया, उस स्वरूप में जाग गए, तो ये सब प्रतीति मात्र है, यानी इसका कोई अर्थ ही नहीं है। और स्वरूप में नहीं जागे, इसकी संगति लगानी है, तो ये दो पांव है, एक पांव जो है वो उठा नहीं रहा है। तो उठा नहीं रहा है इसलिए ये जगत जो है ये हमेशा रहेगा। पूर्व मीमांसा वालों ने प्रलय को नहीं माना है, वो कहते हैं कि ये जगत हमेशा रहता ही है। पर बाकी जो शास्त्रों में माना है, प्रलय का वर्णन है शास्त्रों में, तो इसलिए जो भी हो ये अपना पांव पूर्ण रूप से उठाता नहीं है, इसलिए ये सृष्टि का चक्र चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने जो कर्म किए हैं वो कर्म भले प्रलय हो जाए, वो जीव के संस्कार रहेंगे, तो सृष्टि जब होगी तो फिर से उन्हीं जीवों का जो कि अपनी यात्रा पूरी नहीं की है, फिर से उनका जन्म होगा। ये 14वें श्लोक में बता रहे हैं। 15वें में बता रहे हैं, अब इतना सब तो वर्णन हो गया, अब प्रश्न ये है कि हम इसे क्यों नहीं समझ पा रहे। हमको तत्व दृष्टि सनत सुजात जी जैसे प्राप्त हो जाए, कह रहे हैं क्यों नहीं हो रही है। हृदय देश में स्थित ये अंगुष्ठ मात्र जीवात्मा
शरीर के संबंध से सदा जन्म मरण को प्राप्त होता है। जीवात्मा का न जन्म है न मरण है, परंतु शरीर से संबंध क्यों बनता है? अपने कर्मों के कारण। तो ये अनादि है, क्योंकि प्रश्न उठेगा कि जब जीवात्मा वो उसमें किसी प्रकार का कोई उपाधि है ही नहीं, तो फिर ये कर्म कहाँ से आए? तो बीज रूप से। एक छोटा सा वट का बीज देखे और कितना विशाल उसका, तो ऐसे ही ये बीज जो है, महर्षि कहते थे जड़ को अगर हम देखना चाहें सूक्ष्म रूप में तो बीज, और चेतन को सूक्ष्म रूप में देखना चाहें तो जीव। बीज जीव, तो जीव जो है उसकी यात्रा बता रहे हैं। हमारे सबके शासक कौन है? ठाकुर जी। वो सर्वत्र विराजमान परमात्मा, ध्यान देना क्या कह रहे हैं सनत सुजात जी। हमारे जो शासक हैं परमात्मा, वे सर्वत्र विराजमान यानी व्यापक है। तो सर्वत्र विराजमान है मतलब इस समय मैं यहाँ बैठा हूँ तो परमात्मा यहाँ भी है, हम लोग बैठे हैं तो यहाँ भी परमात्मा है। तो हमको आपको क्यों अनुभव में नहीं आ रहे बता रहे हैं। सर्वत्र विराजमान परमात्मा को मूढ़ जीव नहीं देख पाते। यानी यहाँ पर कल्पना करो कि एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा बैठे हैं, उनको परमात्मा दिख रहा है। आप कहेंगे कैसे? अरे ये जितने हम लोग बैठे हैं वो सब परमात्मा ही है उनकी दृष्टि में। हम लोगों की दृष्टि में ये डॉक्टर पुंजानी है, ये विपिन चावला है, ये अमेरिका के हैं, ये कुछ नहीं। सर्वत्र वो ही है, सिया राम में सब जगह जाने। इसीलिए नामदेव को, ठाकुर जी को कहना पड़ा कि तुम अभी कच्चे हो। अरे आप हमसे बातें करते हैं, हम अब भी कच्चे हैं। बोले हाँ, तुमने अभी गुरु नहीं बनाया है। जहाँ तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, थापी लगाई जा रही थी और कहा गया और संतों के बारे में, वे चुप रहे। तुम बोल पड़े कि ये कोई परीक्षा करने का ढंग है? संतों को, संतों की ऐसे परीक्षा की जाती है? उसमें निर्णय दिया कि ये कच्चा है, बहुत कष्ट हुआ उनको। तो ठाकुर जी उसको बता रहे हैं नामदेव को कि उसने सही परीक्षा का परिणाम बताया, तुम अभी कच्चे हो। तुम वहां से यहां पूजा रूम में क्यों आए मेरे से बात करने के लिए? क्या मैं वहां नहीं था? क्या मैं थापी में नहीं था? सर्वत्र विराजमान परमात्मा को मूढ़ जीव नहीं देख पाते। तुमने अभी गुरु नहीं किया है, परमात्मा ने कहा। ठाकुर जी ने कहा नामदेव को, तुमने अभी गुरु नहीं किया है। गुरु ये ज्ञान देंगे कि ये सर्वत्र है। 16वें श्लोक में बता रहे हैं कि हमको कैसे करना है, तो बहुत कठिन लगता है। जब भी देखते हैं बुरा अच्छा, शिष्ट दुष्ट, है ना, शत्रु मित्र, ये सब द्वंद मिटता ही नहीं। बता रहे उसके लिए प्रक्रिया क्या है। कोई साधन संपन्न हो या साधन ही, बहुत गजब का ये 16वां श्लोक है। सनत सुजात जी कह रहे हैं आवश्यक नहीं है कि साधन संपन्न ही उसका अनुभव कर पाएगा, कोई भी क्यों ना हो, साधन संपन्न हो या साधन ही, वह ब्रह्म सब मनुष्यों में समान रूप से देखा जाता है। क्या अर्थ हुआ? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचेव स्वपाके च पंडिता समदर्शी। भगवान ने कहा 5वें अध्याय में अर्जुन को, गीता में,
कहा तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, ब्राह्मण सामान्य ब्राह्मण नहीं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण। गवी गाय, हस्तिनी हाथी, सुनिचैव कुत्ता, स्वपाके च कुत्ते को पकाकर खाने वाला चांडाल, पंडिता समदर्शिन, जो पंडित होते हैं, जो विद्वान यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं, वे सब में उनकी समदृष्टि है। चांडाल और विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, दिन रात का अंतर है, क्या कह रहे हैं? कोई साधन संपन्न हो या साधन ही, वो जो ब्रह्म है सच्चित आनंद उस विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में भी है, इस चांडाल में भी है। ब्रह्म सब मनुष्यों में समान रूप से देखा जाता है, नाम रूप को देखकर समानता नहीं बताई जा रही। सच्चिदानंद जो है, तत्व जो है, वो सर्वत्र एक ही है। वह अपनी ओर से बद्ध और मुक्त दोनों के लिए ही समान है। अंतर इतना ही है कि इन दोनों में से जो मुक्त पुरुष हैं, वे ही आनंद के मूल स्रोत परमात्मा को प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं। ये जो तत्व दृष्टि से देख रहा है वो आनंद में है, जो नाम रूप को देखकर संसार और शरीर को सत्य मानकर व्यवहार कर रहा है वो उस आनंद में नहीं है, क्योंकि उसके लिए सब प्रकार की समस्याएं हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं, ये मैंने कर दिया है, इसको नहीं कर रहा हूं, धृतराष्ट्र को आशीर्वाद दे रहे हैं। 18वें श्लोक में कह रहे हैं कि प्रतिबंध क्या है। अगर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष देख रहे हैं सबको परमात्मा रूप से, तो हम और आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? बता रहे सनत सुजात जी, जो ऐसा महात्मा पुरुष है, यानी जिसको ये दृष्टि प्राप्त है कि सर्वत्र ब्रह्म देख रहा है, उसने क्या किया, उसमें क्या विशेषता है जो हमारे आप में नहीं है? वह भोक्ता भाव को अपने में विलीन करके, ध्यान से सुनना, कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव, डुअरशिप एंजॉयरशिप, ये हमारी आपकी स्थिति है अज्ञान के कारण। उस महापुरुष ने क्या कर लिया, इन दोनों को, भोक्ता भाव यानी डुअरशिप एंजॉयरशिप, दोनों को अपने में यानी परमात्मा में अपने स्वरूप में विलीन कर लिया, उस पूर्ण परमेश्वर को जान लिया, अर्थात सद्गुरु के चरणों में बैठ के, और उसने उसके पूर्व की सब साधनाएं करके, और फिर ये श्रवण किया कि मेरा असली स्वरूप क्या है। अच्छा, अब हम कोशिश करें तो कर पाएंगे कि नहीं, सुनो। कोई मन के समान वेग वाला ही क्यों न हो, और 10,00,000 भी पंख लगाकर क्यों न उड़े। वैज्ञानिकों का प्रयास है, हम लोगों ने भी चंद्रयान भेजा, पर मंगल ग्रह में और क्या क्या कर रहे हैं, अंत में उसे हृदय स्थित परमात्मा में ही आना पड़ेगा। तो ये जो शरीर और संसार सत्य मानकर जितना अनुसंधान चल रहा है, ठीक है व्यवहार के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए, पर वहां शांति नहीं, लौटकर शांति के लिए परमात्मा में ही, हृदय स्थित परमात्मा में ही आना पड़ेगा। एक
महापुरुष लेटे हुए थे पेड़ के नीचे, कोई विदेशी आया, देखा कि ये इस प्रकार लेटा हुआ है, आंखें खुली थी उसकी, तो पूछा उसको कि भाई ऐसे लेटे रहने से थोड़ी काम चलेगा, कुछ करो। फिर संवाद हुआ दोनों में और वो पूछते गया जो लेटे हुए था कि करने से क्या होगा, फिर करने से ये होगा, फिर इससे ये होगा, फिर इससे होगा। तो करते 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 अंत में बोले फिर उससे क्या होगा, फिर बोले उससे परम शांति होगी। तो बिल्कुल परम शांति में तो वो पहले से ही लेटा होगा। तो कोई मन के समान वेग वाला ही क्यों न हो और 10 लाख भी पंख लगाकर क्यों न उड़े, यानी कितनी भी सिद्धियां कोई प्राप्त कर ले उसका कोई अर्थ नहीं है। चांगदेव जी ज्ञानेश्वर जी को प्रभावित करने के लिए सिंह को अपना वाहन बनाकर वहां पहुंचे। ये दीवार पे बैठे थे तो अब चांगदेव चूंकि चेतन को वाहन बनाए हुए हैं तो ज्ञानेश्वर जी ने दीवार को ही कहा कि तुम चल पड़ो वहाँ। ज्ञानेश्वर जी की जो पिक्चर बनाई है उसमें दिखाया है कि वो दीवार ही चल पड़े। तो सिद्धियाँ वो अपनी सिद्धि से उनको प्रभावित करना चाह रहा था। ज्ञानेश्वर जी तो ज्ञानी थे तो उसको बेचारे को चुप कर दिया कि तू तो चेतन पे सवारी कर रहा है ना, इसका कोई अर्थ नहीं, अंत में उसे हृदय स्थित परमात्मा में ही आना पड़ेगा। इसको बड़ा अभिमान था अपनी सिद्धियों का चांगदेव जी को। 5 मिनट है अपने पास। 20वें श्लोक में 31 श्लोक हैं, संभवतः कल पूरा हो जाएगा। इस परमात्मा का स्वरूप सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि हम क्या करें। जिनका अंतःकरण विशुद्ध है, शुद्ध नहीं विशुद्ध है, वे ही इसे देख पाते हैं। हमें शुद्ध अंतःकरण वाले लोग भी मिल जाएंगे, पर विशुद्ध का अर्थ है कि फिर उनके शुद्ध अंतःकरण में ये भी नहीं कि हमको ये सिद्धियां प्राप्त हो या हमको कोई कामना का पूर्णतः निरसन ही अंतःकरण की विशुद्धि है। अंतःकरण शुद्ध वाले भक्त आज भी भारत में बहुत मिलेंगे, पर विशुद्ध अंतःकरण जो अपेक्षित है ज्ञान के लिए वो बहुत दुर्लभ है। ऐसे विशुद्ध अंतःकरण में ही परमात्मा के स्वरूप का दर्शन होता है, जो सबके हितेशी और मन को वश में करने वाले हैं तथा जिनके मन में कभी दुख नहीं होता एवं जो संसार के सब संबंधों का सर्वथा त्याग कर देते हैं। बहुत ही संक्षेप में सनत सुजात जी बता रहे हैं, क्योंकि साधना तो 20 साधन भगवान ने ज्ञान के साधन 13वें अध्याय में बताए, यहां एक ही श्लोक में 20वें श्लोक में विशुद्ध अंतकरण होगा कैसे। ऐसा व्यक्ति सबका हितेशी है, प्राणी मात्र का। एक बात, मन उसके वश में है, मन से इंद्रियां भी ले ले, और जिनके मन में कभी दुख नहीं होता। दुख के 3 स्तर बताए महाराष्ट्र ने, दुख के निमित्त नहीं है, हमारे सुरेंद्र मुनि को कैंसर हो गया, दुख का निमित्त बन गया। 2 बजे रात को इतना भयंकर दर्द हुआ, मित्र को जगाना पड़ा, गए हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाया, आज से करीब 6 महीने पहले। पर किसी को नहीं पता था कि वो, किसी को पता है, डॉक्टरों ने कहा सीटी स्कैन करवा लो, महात्मा तो महात्मा ही होते, नहीं नहीं होम्योपैथी से ठीक हो जाए,
कल ऑपरेशन हुआ, आज दिखा रहे थे मोबाइल पे इतनी बड़ी कैंसर की गांठ निकली। तो दुख के निमित्त होते हैं, उनको हम कुछ नहीं कर सकते। दुखाकार वृत्ति भी, जब दुख आवेगा तो वृत्ति भी बनेगी, और मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ये विचार वाले में नहीं होता। क्यों? मैं जो है वो चेतन है, चेतन कभी दुखी हो नहीं सकता। शरीर को कष्ट हो रहा है तो वो भी साक्षी के रूप में देखते हैं, मैं ये शरीर हूँ, तब तक देहाध्यास है, तब तक मैं दुखी हूँ। इसलिए व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा और रोएगा, परंतु क्या कह रहे हैं कि जिसके मन में कभी दुख नहीं होता का अर्थ क्या है कि दुख जो है वो हमारा धर्म नहीं है, चेतन का धर्म नहीं है, शरीर का, मन का धर्म है। तो यहाँ लिखा है कि मन में कभी दुख नहीं होता, तो मन में कभी दुख नहीं होता अर्थात मन जो है वो परमात्मा से एक हो गया, तो इसलिए अब उनके मन में दुख व्याप्ता नहीं। दुख आया, महर्षि को जैसे कैंसर था बताते थे कि भाई देखो दर्द हो रहा है, कुछ दवा हो या इंजेक्शन हो दे दो, पर दुख का व्यापना का अर्थ है कि व्यक्ति जो है उससे बड़ा शोक कर रहा है, क्या होगा, कैसे शरीर, है ना, डर रहा है कि अब मृत्यु आएगी, कुछ नहीं, मन में कभी दुख नहीं। कभी है ना, ये कभी का अर्थ है कि दुख का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। कब संभव है? जब हम अपने को स्वरूप रूप से जान लेंगे। और अगला वाक्य है, संसार के सब संबंधों का सर्वथा त्याग। हर जगह एडजेक्टिव जो है त्याग के साथ सर्वथा लगा दिया, संसार के सब संबंधों का सर्वथा त्याग कर। तो संसार के सब संबंध में बाह्य संबंध तो है ही है, ये शरीर का संबंध भी संसार का संबंध है, उसका भी त्याग, ये भी मैं नहीं, वे मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार आज हम यहाँ विराम दे रहे हैं 20वें श्लोक पर। कल 21 से 31 इनमें कोई विशेष चर्चा होगी तो कर लेंगे। नारायण 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 भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।